सब्सक्राइब कीजिए ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल को और साथ ही इस बेल के आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने ईमो की रिंग टून कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले आपने देखा ही होगा कि ईमो की रिंग टून जो आप चेंज नहीं कर सकते थे, स्टार्ट से लेकर अभी तक एक ही रिंग टून थी, या इससे पहले एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप ईमो की रिंग टून जो है वो चेंज कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं फ्रेंड्स आपको जो ट्रिक बताऊँगा, इस ट्रिक के ज़रिए आप डायरेक्ट ईमो से अपनी रिंग टून चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ईमो की जो पुरानी टून रिंग टून है वो बहुत ऐसी बोर सी रिंग टून है, तो अगर आप अपनी रिंग टून चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चलें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली न्यू वीडियो लेकर हाज़िर होता रहता हूँ जो कि मोबाइल की टिप्स और ट्रिक्स और इसके अलावा कंप्यूटर्स प्रिंटर्स के मिलती जुलती वीडियो होती हैं, जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की वीडियो होती हैं, और इसके साथ साथ मैं फ्री कॉल्स भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो उनसे आपको बहुत सारी मदद होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता तो फ्रेंड्स जो आप मेरी वीडियो देख रही होती हैं उस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन आ रहा होता है सब्सक्राइब का, आप उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ ही एक बेल का आइकन भी होगा आप उसको भी प्रेस कर दीजिए। बेल के आइकन को प्रेस करने का ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी ईमो ओपन कीजिए। फ्रेंड्स जैसे ही आपकी ईमो ओपन होगी तो आपके सामने ये नीचे कॉर्नर पे थ्री पट्टी जो आपको नजर आ रही होगी, फ्रेंड्स आप इसको क्लिक कीजिए। थ्री पट्टी को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। फ्रेंड्स इसके बाद आपने यहाँ से इस सेटिंग को ओपन करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स सेटिंग को ओपन करने के बाद आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये बेल के आइकन के नीचे कॉल सेटिंग के नीचे रिंग टोन का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी कोई भी रिंग टोन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके सेल में कोई और रिंग टोन है या आपके सेल में कोई नात वगैरह या कोई सॉन्ग है तो आप वो भी लगा सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट टोन को सेलेक्ट करके। तो इसके बाद आपको जो भी आपके सेल में ट्यून होंगी वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप इससे कोई भी रिंग टोन जो वो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं ये सारी रिंग टोन हैं, आप जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने यहाँ पे ये लगाई है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी मेरी ईमो की रिंग टोन जो वो चेंज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप बहुत आसानी के साथ अपने ईमो की रिंग टोन जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपने अपने ईमो के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप उसको पहले अपडेट कर दें, ये अपडेट वर्जन पर है ईमो की रिंग टोन, आप अपडेट वर्जन पर चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे ईमो सर्च करें। ईमो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको अभी मेरी अपडेट है ईमो, इसलिए यहाँ पे ओपन और इंस्टॉल नज़र आ रहा है, वरना अगर मेरी ईमो अपडेट ना होती तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा होता। तो इसलिए आप अपनी ईमो को पहले अपडेट कीजिए और उसके बाद जो है अपने ईमो की रिंगटोन चेंज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.